वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ते थोड़ा स्वागत है जी मेरे YouTube चैनल सैफी सिद्धू विच। ते अज आपां शूट करन जा रहे हैं जी अपना सेकंड मोटो ब्लॉग। ते अज आपां जा रहे हैं जी क्योंकि अपना ये सेकंड ब्लॉग है इस बाइक नाल। ते फर्स्ट ब्लॉग पे ला चुके हैं, जे तुसीं नहीं देखिया तां अपने चैनल ते जाके देख सकते हैं। ते सेकंड ब्लॉग आपां जो शूट कर रहे हैं जी, ते कहिंदे हुंदे आ कि चंगे काम की शुरुआत गुरु घर दे स्टार्ट करनी चाहीदी है। तो सो अज आपां जा रहे हैं जी बाबा दीप सिंह दा गुरुद्वारा अपने पिंड तों कोई 13 किलोमीटर दूर, ते जो कि है 12 PS नियर रैस नगर। ते जे कई लोगों को नहीं पता होएगा तो मैं दसदा कि मैं रहने वाला हाँ गंगा नगर राजस्थान का। ते इस टाइम रह रहे आस्ट्रेलिया विच, ते छुट्टियां लिए आया होया सीगा पिंड। सो आपां इह BMW बाइक लई है, ते जो कि अपनी गंगा नगर दी फर्स्ट BMW बाइक है जितों तक कि मैनूं शोरूम वालिया ने दस्सिया। ते चलो जी आपां चलते हैं बाबा दीप सिंह जी दे गुरु घर, ते थोनों भी नाल दर्शन कराने हैं, ते नाले थोनों सारा आपां व्यू राह दा दिखावांगे। ते जितों की गल करिए कि मेरे एरिए विच तकरीबन 70% लोग सरों की खेती करते हैं, ते 20% कणक की, ते कुछ छोले मान लो तारा मीरा जां जौ कुछ इदां दी हुंदी है। ते इस टाइम वैदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ते बहुत वधिया टैंपरेचर है, ज़्यादा ठंड भी नहीं गी, ते सारे पासे हरियाली ही हरियाली है। ते ये मेरा जिदा कि थोनों दस्या कि सैकेंड मोटो ब्लॉक मैं कर रहा शूट, ते शायद कोई वॉइस विच या कैमरा फ्रेम विच जे साफ ना आया हो तो जी मैं माफ़ी चाहना। तो जे तुसी नवे हो मेरे यूट्यूब चैनल ते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। जे थोड़ा इदा ही प्यार मिलता रहा तो आस है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके भी कोई बाइक लावांगे, तो फिर थोनों ऑस्ट्रेलिया बाइक के नाल नाल दिखावांगे। हाँ लेट्स गो, चलते हैं जी। नाल दी नाल तुहानू मैं जानकारी दे दिंदा जिद्दां कि मैं तुहानू दस्सिया कि मैं बाइक दे हेलमेट दे विच ही माइक लाया होया सीगा, पर उहदी आवाज़ बिल्कुल ही साफ नहीं आ रही है। पता नहीं कि माइक दी क्वालिटी ना ज़्यादा वधिया नहीं गी, ते उस करके मैं हुण बाद विच आपदी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ते जे कोई वीर भरा ये मोटो ब्लॉगिंग करता हो तो मैंने प्लीज़ दस्यो जो कि मैक वधिया, तो फिर मैं वो ऑर्डर करूँगा। चलो जी चलते हैं, तो थोनों दिखाने हैं। तो देखो जी कितना सोहना व्यू है, तो चारे पासे हरियाली ही हरियाली है, तो सारी धरती इदा लगता है कि येलो कलर भी हो गई है क्योंकि सारे पासे सरों के फुल ही फुल दिखाई दे रहे थोनों। ते जे थोनों मैं दसा कि गुरु घर 12 PS जो कि बाबा दीप सिंह जी का घर है, ते क्योंकि उत्थे मैं मेरा छोटा भरा भी तकरीबन काफ़ी चिर सेवा करता रहा ना, उत्थे जिदा कि पुन्या कह लिए जां पूर्णमासी जो भी कहिंदे है उत्थे मतलब कि लगती है ना, तां वो भी जाता रहा। ते बाबा जी दे आशीर्वाद करके मेरा छोटा भरा ऑस्ट्रेलिया गया, तो उस तो बाद फिर मैं भी शुरू किया जाना है ना। तो मैं तकरीबन 2.5-3 साल पैदल ही जाता रहा अपने फ्रेंडा के नाल है ना। तो बाबा जी का होया मेहर की, तो चलो आप भी ऑस्ट्रेलिया चल गए। तो अज आप इन्ने काबिल बाबा जी ने करते कि आप बाइक लेके जा रहे हैं गुरु घर। तो जे तुसी भी इच्छा किसी भी तरह की थोड़ी है ना मनोकामना आ गई है, एक बार तुसी थोड़े नेड़े कोई भी मतलब कि बाबा दीप सिंह जी का गुरु घर है तो उत्थे जाओ, ते थोड़ी हर तरह की इच्छा जो कि पूरी हो जाएगी। जितों तक सड़कों की गल करा, सड़कों की बड़ी बुरी हालत है, तुसी देख लो टुटी सड़क पई है। ते जिद्दन का मैं मोटरसाइकिल लिया, तो मेरा मोटरसाइकिल 60 तो उपर ही नहीं चढ़ता गा क्योंकि टुटी सड़क आ जाती है, अगों साधन आ जाते हैं, जा कुत्ते आ जाते हैं, गाइयाँ अगे आ जाती है ना। हाँ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹਾਈਵੇ ਮਿਲੂਗਾ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ।
ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਜੈਪੁਰ BMW ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ 2,000 ਜਾਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆ ਨਾ ਬਾਈਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਸਟ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 9,500-10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਬਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BMW ਬਿਗ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਲੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬਨ, ਅਰਬਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੇਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਨੂੰ, ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡ ਉਹ ਚੇਂਜ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਟਰੈਕ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਗ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਦਾ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ ਟਰੈਕ ਮੋਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
हेलमेट, ग्लव्स, पूर प्रॉपर ड्रेस चाहिए इहदी, है ना। तो ये तुसी उत्ते चला सकते हैं। तो वैसे बाइक बड़ी वधिया है ना, जिन्नी मैं चलाई है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। जो लोग मतलब आके नाल फोटो खिंचाते बाइक दे, जां कोई स्टोरी पाउंदा है जां कुछ भी करता है ना, तो कई ने तो ये नाल फोटो खिंचवा के आपके फेसबुक पर पा रखे भी दैट इज़ माई न्यू बाइक। तो चलो बेचारे वो भी आपका मन खुश कर लेंगे। तो आप बस पहुँचने वाली हैं गुरुद्वारे, थोड़ी दूरी रह गया, तो लेट्स गो। Thank you.
लो जी, वाहिगुरु की कृपा दे नाल आपां पहुंच गए हैं गुरु घर 12 PS ते, जो कि बाबा दीप सिंह जी का गुरु घर है। तो यह गुरु घर खेतां दे विच बनिया होया है, तो बहुत ही शानदार इस गुरु घर की बिल्डिंग है। जिदा कि तुसीं देख सकते हो बहुत बड़ा ये हाल बनिया होया, तो इत्थे हर एक जिदा कि पुन्या लगती है, तो संडे नूं भी बहुत ज़्यादा इत्थे इकट्ठ हुंदा है। तो आप भी आए हुए हैं मत्था टेकने लई, तो ये मेरी 4 साल बाद पहली पुन्या, बिकॉज 4 साल आस्ट्रेलिया में सी ते उत्थों आ नहीं होया, तो आते सार चलो पुन्या आ गई जी। आप थोनों गुरु घर दिखाने हैं, तो नाल नाल थोनों मैं दसदा कि इतों लखां ते हज़ारां लोग जो बाबा दीप सिंह दे गुरु घर इत्थे आउंदे सीगे, ते उन्हां दी ख्वाहिशां पूरियां होईयां, ते बहुत सारे लोग मेरे वांगू कोई अमरीका कनाडा आस्ट्रेलिया बैठे है। ते नाल नाल ये तुसीं देख रहे हैं कि यह बाहरली साइड है गुरु घर दी, ते इस जो सामने वाली बिल्डिंग बनाई गई है बिल्कुल न्यू ही है, तकरीबन 1.5 साल पहला कंप्लीट हुई है, जो कि एक मेन एंट्रेंस है इस गुरु घर दी। ते बड़ा शानदार एरिया, तो बहुत ही शांत क्वाइट एरिया, इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि खेतों के बनया हुआ है। तो जितों तक इस गुरु घर की गल है, तो किसी परिवार ने यह जमीन दान दी सी गुरु घर वास्ते, तो बिल्कुल पहला एक छोटी जी बिल्कुल बिल्डिंग सी इतने, तो स्लोली स्लोली जिदा लोगों का रुझान इधर नू हो गया गुरु घर कर, तो हौली हौली यह बिल्डिंग बहुत वड्डी बन गई है। तो हुण तकरीबन 5-7 हज़ार लोग पुन्या वाले दिन इत्थे आउंदे आ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, सबसक्राइब कर लेना।